उत्तर पूर्व करीब करीब केसरिया रंग में रंग चुका है। उत्तर पूर्व कांग्रेस मुक्त की कगार पर खड़ा है। मेघालय में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 21 सीटें मिली है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का सरकार यहां बनना उसके लिए सपने जैसा है। सरकार कांग्रेस यहां पर नहीं बना पा रही है और सपना जो था कांग्रेस का यहां सरकार बनाने का वो सपना ही रह गया, जबकि मेघालय में सिर्फ 2 सीटों वाली बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। ताकि ये गैर कांग्रेसी दलों के गठबंधन वाली सरकार होगी, यानी बीजेपी ने मेघालय में गोवा और मणिपुर वाली पारी खेली है। जिस तरीके से बीजेपी ने मेघालय में सियासी शतरंज की बाजी खेली, उसमें कांग्रेस पूरी तरीके से चित हो गई। अब तो बीजेपी राहुल गांधी के नेतृत्व कौशल पर ही सवाल उठा रही है। मतलब कि एक बार नॉर्थ ईस्ट ठीक हो गया तो पूरी इमारत ठीक हो जाती है। ये सिद्ध हो चुका है, लेफ्ट भारत के किसी भी हिस्से के लिए राइट नहीं है। लेकिन राहुल जी का अपना नानी उत्तर पूर्व से ज्यादा प्यारा है, तो उसमें मैं क्यों कमेंट करूं। मेघालय में बीजेपी के गठबंधन सरकार की उम्मीद के बाद पार्टी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना करीब करीब पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पूर्वोत्तर के राज्यों को भगवा से रंग दिया। हिंदुस्तान के राजनीतिक विश्लेषकों को एक बात को समझना होगा कि नो वन से वन की यात्रा, नो वन NONE, नो वन से वन की यात्रा, शून्य से शिखर तक की यात्रा। और आप जानते हैं, सूरज जब ढलता है तो लाल रंग का होता है, और जब सूर्योदय होता है तो केसरिया रंग लेकर के निकलता है। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी त्रिपुरा में सरकार बना रही है। नागालैंड में भी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन अब मेघालय भी बीजेपी के खाते में आ रहा है। जबकि मेघालय में बीजेपी को महज 2 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन बीजेपी ने यहां पर अपनी हार को भी जीत में बदल दिया है। मेघालय में गैर कांग्रेस दल मिलकर सरकार बनाएंगे। एनपीपी नेता कॉनराड संगमा ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश कर दिया। कॉनराड संगमा 6 मार्च को सुबह 10:30 बजे शिलोंग में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मेरा अभी तो 34 MLA आके परेड भी हुआ और महामान्य राज्यपाल महोदय ने सब न्योता भी दे दिया कॉनराड संगमा को परसों 10:30 बजे सरकार बनाने के लिए। और अभी तो कॉनराड संगमा विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय। मेघालय की नई सरकार में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। मेघालय में हम आपको सीटों का पूरा अंक गणित समझाते हैं। कैसे मेघालय में भी बीजेपी सरकार में शामिल होगी ये आपको बताते हैं। मेघालय में 60 सीटें हैं, बहुमत के लिए जरूरी है 31 सीट और बीजेपी ने नई सरकार के लिए 34 विधायकों के समर्थन का दावा किया है, जिनमें बीजेपी के 2, एनपीपी के 19, यूडीपी के 6, एचएसपीडीपी के 2, पीडीपी के 4 और 1 निर्दलीय को मिलाकर ये संख्या 34 तक पहुँचती है। बीजेपी का ये भी दावा है कि ये संख्या 37 तक पहुँच सकती है। सारे कुछ मिला के 34 MLA और रात तक मेरा लगता है कि और 3 सपोर्ट हमको मिल जाना सर। अब सवाल ये उठता है कि गोवा और मणिपुर की तरह कांग्रेस पहले नंबर की पार्टी होने के बावजूद मेघालय में भी सरकार क्यों नहीं बना पाई। इसका जवाब बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा ने दिया। बिस्वा ने कहा कि कांग्रेस को पता था कि उसके पास दूसरे विधायकों का समर्थन नहीं है, इसके बावजूद अहमद पटेल और कमलनाथ जैसे दिग्गज नेताओं को मेघालय जोड़ तोड़ के लिए भेज दिया। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी अब तक राजनीति के मजे खिलाड़ी नहीं बन पाए हैं। ये जो राहुल जी ने सार बड़ी नेता को यहाँ में भेज दिया बगैर कोई कैलकुलेशन, इनमें मैं राहुल जी का बहुत बड़ा इमेच्योरिटी देखता हूँ। आज कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जिस वक्त 3 राज्यों के चुनाव नतीजों पर पार्टी को अपने सबसे बड़े नेता यानी कांग्रेस अध्यक्ष का साथ चाहिए था, वो उसी दिन कार्यकर्ताओं से 1000 किलोमीटर दूर छुट्टी मना रहे हैं। पार्टी हर चुनाव में हार रही है,
और उसके अध्यक्ष छुट्टी मनाने में मशगूल हैं। ये कितनी खुशी की बात है, इस देश में एक दल ऐसा है कि जिसका अध्यक्ष एक के बाद एक विजय को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। और देश में ऐसे भी दल है कि जहां लोग पद में तो ऊपर चढ़ते जाते हैं लेकिन कद में छोटे होते जाते हैं। कांग्रेस पार्टी का कद इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा जितना आज हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने होली से पहले ट्वीट कर अपने इटली दौरे की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि वो इस होली में अपनी नानी से मिलने जा रहे हैं और अचानक से उनके पास पहुंचकर उन्हें चौंकाएंगे। ऐसे जो उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व का जनता ने एक रिजल्ट दिया है, लेकिन राहुल जी का अपना नानी उत्तर पूर्व से ज्यादा प्यारा है तो उसमें मैं क्यों कमेंट करूं, वो तो उनका पर्सनल मामला है। लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी ने नहीं, बीजेपी ने चौंकाया। उनके हाथ से मेघालय छीन कर एक और राज्य को कांग्रेस मुक्त कर दिया। कॉनराड संगमा 6 मार्च को मेघालय के सीएम पद की शपथ लेंगे। नेफियो रियो 7 मार्च को नागालैंड के सीएम पद की शपथ लेंगे और विप्लव देव 8 मार्च को त्रिपुरा के सीएम पद की शपथ लेंगे। मेघालय में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद शपथ ग्रहण समारोह का तमाशा देखेगी और बीजेपी सिर्फ 2 विधायकों के होने के बावजूद सरकार में शामिल होगी। बीजेपी का कहना है कि विजय रथ न थमा है न थमेगा। त्रिपुरा और नागालैंड को मिलाकर अब नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में से 5 में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। सिर्फ एक राज्य मिजोरम में कांग्रेस की सरकार है, यानी नॉर्थ ईस्ट करीब करीब कांग्रेस मुक्त हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेघालय के लिए आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जीत कर भी हार गई और बीजेपी हार कर जीत गई है।